अगर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्टिकल ऑफ मास 5 kg 5 ग्राम इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3√2 cm/s इन द एक्स वाई प्लेन अलॉन्ग द लाइन वाई इक्वल टू 2√5 cm। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। देखो पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लो। ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और इधर हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो किस लाइन के अबाउट मूव कर रहा है? वाई इक्वल टू 2√5, मतलब 2√5 वैल्यू कहीं यहाँ पर होगा वाई के लिए और ये लाइन हो जाएगा। तो ये जो लाइन है ये लाइन का नाम क्या है? वाई इक्वल टू 2√5, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कहीं भी जाएंगे आप तो वाई का वैल्यू 2√5 ही लेना है, इसीलिए वाई इक्वल टू 2√5 ये लाइन हो गया। ठीक है, ओके। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 0,2√5। ओके, अब आगे पीछे जाने पे एक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा लेकिन वाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इसलिए इस लाइन को बोलेंगे वाई इक्वल टू 2√5। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा देख सकते कि मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम और साथ ही साथ इसका स्पीड 3√2 cm/s। तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब कि एक्स वाई प्लेन का कहने का अर्थ हो गया कि इस डायरेक्शन में सपोज करो कैसे भी जा रहा हो। ठीक है, ये स्पीड का यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, बस हमको इतना पता है कि ये जो है इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो लाइन यही है मेरा और एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये एक्स वाई प्लेन है पूरा और ये लाइन हो गया, तो इसके अलोंग जाना चाहेगा तो कुछ इस तरह से वेलोसिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको बोला है कि ये जो ओरिजिन है यहाँ पे, इस ओरिजिन के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। ठीक है ना, अब एक फार्मूला जब रोटेशन पढ़ा रहे थे हम तो उसमें एक और चीज़ बताए थे कि जो एल होगा उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, आर साइन थीटा की जगह पर आर परपेंडिकुलर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आर परपेंडिकुलर लिखो या आर साइन थीटा लिखो, बात दोनों में क्या है, बराबर है। तो अब यहाँ पे मास कितना है 5 ग्राम और वेलोसिटी कितना है इसका 3√2 cm/s और डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना है? देखो ये ओरिजिन है और ये पार्टिकल का डायरेक्शन का मोशन इस तरह से हो रहा है, तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला होगा और ये कितना है 2√5, तो 2√5 cm। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 5 × 3 15 × 2 30 और √2 √5 √10 30√10 g/cm² मेरा आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो ऑप्शन नंबर आपको डी इसमें सही होता हुआ दिखेगा 30√10। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। थैंक यू।